नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है टीपी के लिए, और ये टीपी की रिक्वायरमेंट जनरल वर्कर के लिए रहेगी जो कि सुपरमार्केट में वर्क करना होता है। ये रिक्वायरमेंट भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एक ही वैकेंसी है और इसमें क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एज लिमिट कम रहेगी, 20 साल से लेकर 24 साल 25 साल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो टीपी के लिए अप्लाइड होती हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हैं कि इसमें यूपी बिहार बंगाल के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और इसमें जो लोग भी एज क्राइटेरिया में आते हैं, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी है, मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है और बेसिक इंग्लिश आती है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें $1200 रहेगी। ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी इसमें 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 6 डे वर्किंग होगा, 1 वीकली ऑफ होगा। और इसमें जो सेम कंडीशन है कि 3 महीने का वीजा, 1 महीने का एडिशनल पीरियड मिलता है, 3 महीने जॉब रहती है, उसके बाद में फिर उनको मीन्स जो 1 मंथ का पीरियड होता है उसमें जो अपनी प्लानिंग्स करते हैं लोग, जॉब सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके पर्पज से लोग जाते हैं। जैसे कि पहले हमने वीडियो के माध्यम से बताया कि टीपी एक एंट्री गेट है, एंट्री परमिट मान लीजिए, जिसके माध्यम से आप वहां पर जा सकते हैं और फिर अपने स्किल के हिसाब से वहां पर जॉब भी सर्च कर सकते हैं और आपकी जॉब ट्रांसफर हो सकती है। मीन्स आप उस पीरियड के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो एसपास के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने एम्प्लॉयर का इंटरव्यू क्वालिफाई किया और उन्होंने वीजा अप्लाई किया तो आपको एसपास वीजा भी लग सकता है, इसलिए लोग टीपी के लिए प्लान करते हैं। टीपी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कंट्री का, सिंगापुर में जाने के लिए। सिंगापुर में 3 महीने वर्क के साथ में पेमेंट भी मिलता है, एकोमोडेशन मिलता है, और एकोमोडेशन मिलता है उस पीरियड में आप वहां रह सकते हैं और काफी कुछ आइडिया हो जाता है, तो अपनी स्किल के हिसाब से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट केवल एक ही है, एक सिंगल मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, 20 साल से लेकर 24 25 साल तक की एज होना चाहिए और बाकी क्राइटेरिया सेम रहेंगे। दोस्तों जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीम को पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स भेजें, वैकेंसी एक ही इसलिए आपको इसमें एज सून एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और ऑफिस विजिट करना होगा। दोस्तों आप जब भी प्लान करते हैं तो एक बार टीम को कंफर्म करें अपना ट्रैवल प्लान, उसके हिसाब से चीजें हो सकती हैं। और कुछ टर्म्स में कुछ कैंडिडेट जो ऑलरेडी विजिट कर जाते हैं उनका ऑनलाइन एग्रीमेंट भी हो जाता है। वैकेंसी कैसे लगी अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में क्लासमेट कर इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। जिनका बजट होगा, जो इंटरेस्टेड होंगे, वो इस प्रोफाइल में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।